हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। फ्यूचर रिटेल जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं। आपने शहरों में इनके बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे जहां पर आपको अपनी रोजमर्रा की तकरीबन बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती होंगी। तो काफी सारे मॉल्स हैं इनके। अगर पूरे देश में अगर हम बात करें तो नंबर्स ऑफ मॉल बहुत ज्यादा है इनके और काफी ज्यादा फेमस भी है बिग बाजार का ब्रांड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर में हालांकि एक बहुत बड़े लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, बाद में धीरे धीरे अब ये शेयर बाउंस बैक की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बात करना जरूरी है कि अभी क्या करना चाहिए, जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल अभी 104 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 29% की बहुत बड़ी रैली आई है। आप खुद देखिए, 69 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा, 70 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, एक बहुत बड़ी रैली आई। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने फ्यूचर रिटेल के ऊपर भी वीडियोज बनाए थे। जब शेयर इतना नीचे था, 70 रुपए से लेकर 80 रुपए के ऊपर जब शेयर ट्रेड कर रहा था, तब मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बनाए थे और मैंने वहां पर बाइंग की एडवाइस दी थी। मैंने उस वक्त बाइंग की एडवाइस भी दी थी। अगर आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, पिछले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको मेरे इस वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो उस वक्त मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। आज जब इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? फर्दर खरीदारी करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? तो उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो पिछले एक साल में 77% की गिरावट है। 485 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, भारी गिरावट है। 64 रुपीज तक ये शेयर टूट गया था, बहुत बड़ी, फिर बाद में रैली भी आई थी, शेयर 100 रुपए तक भी पहुंचा था, वापस टूट कर 70 रुपीज तक गया, वापस तेजी आई, वापस शेयर 100 रुपए तक पहुंचा था। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में फ्यूचर रिटेल के शेयर में 73% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 640 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे है। देखिए, 3 साल पहले अगर हम देखें तो बिग बाजार की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि भैया इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा नहीं था और इनका जो मार्केट था वो काफी बड़ा था, काफी बड़ा इनका मार्केट था। लेकिन अभी क्या है, अभी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इनके लिए ये है कि मार्केट इनका इनका अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, बहुत ज्यादा कर्जा, कि इवन अपने मॉल्स को कामकाज में चालू रखना भी इनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो मॉल्स इनके है जरूर, लेकिन उसको वर्किंग कंडीशन में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है और वो हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो एक काफी बड़ा चैलेंज इनके सामने जरूर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मिड कैप स्टॉक है ये, 5,235 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो 70 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जरूर प्रमोटर के पास 41.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, एफआईएस के पास 11.73% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.03% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो फ्यूचर कॉर्पोरेशन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 31.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और प्रमोटर के द्वारा आप खुद देखिए, 75% जितनी होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के द्वारा गिरवी रखी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि प्रमोटर के द्वारा एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है। यहाँ पर देखेंगे तो डिविडेंड की बात करें, उससे पहले सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जाएंगे मनी कंट्रोल में, मैं अगर आपको लेके चलूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, हालांकि थोड़ी बहुत बेटर जरूर है, इनकी टेक्निकल रेटिंग अच्छी दिखाई दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर जरूर है। PE 8 का है, बहुत सस्ता लग रहा है आपको, जरूर सस्ता भी है। इंडस्ट्री PE 74.52 के आसपास है। आप देखिए, बुक वैल्यू 71 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.47 है, EPS 13 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 57 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 69% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 31% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। तो 31% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच दो और प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 69% लोग खरीदने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो जो आप देखिए, हर क्वार्टर में अच्छा मुनाफा कमाया भी है इन्होंने। दिसंबर में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में भी 170 करोड़ का
करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 160 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 203 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 201 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था यहाँ पर हमें। और आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गिर रही है, अगर आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग यहाँ पर आ रही है, पहले 47% थी, बाद में मार्च में 40% तक हो गई, लेकिन बाद में प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी इंक्रीज की, 41.73% की होल्डिंग देखने को मिली प्रमोटर की। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग में बहुत बड़ी गिरावट है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर ने धीरे 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 अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल में देखेंगे तो 51% की होल्डिंग गिरवी थी, अब 75% से भी कम होल्डिंग गिरवी है, तो काफी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले साल 80 पिछले क्वार्टर में 80% की होल्डिंग गिरवी थी, इस बार वो होल्डिंग 80% से कम होकर, मतलब प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और गिरवी रखे हुए शेयर को भी छुड़ाया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं। एफआईएस की होल्डिंग तो हालांकि कंटिन्यूस गिर ही रही है, 13.66% की होल्डिंग आज 11.73% तक पहुंच चुकी है। उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड का भी वही हाल है, 7.50% की होल्डिंग 4.03% की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 0.23% की होल्डिंग, आज 0.05% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर धीरे से होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, लेकिन एफआईएस और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी तीनों ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को गिराया है। तो देखिए फ्यूचर रिटेल की बात करें तो जिसको हम दूसरे नाम से बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं, और काफी ज्यादा इनके एक्टिव स्टोर भी देखने को मिल रहे हैं हमें, ऑल ओवर इंडिया में आपको इनके स्टोर मिल जाएंगे, काफी बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ पर है जो जहाँ पर आपको अपनी रोजमर्रा की तकरीबन सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पर। और तो और एफबी भी ब्रांड भी इनकी हैरिटेज फ्रेश भी इन्हीं का ब्रांड है, डब्ल्यू एच स्मिथ भी इन्हीं का ब्रांड है यहाँ पर देखिए, तो आप देखिए इजी क्लब, इजी डे क्लब भी इन्हीं का ब्रांड है। इसके साथ साथ बिग बाजार की खुद की कई सारी ब्रांड्स है जिसमें वो लोग चीज बनाते हैं और अपने ही मॉल में इसको बेचते भी, अपनी उनकी इन हाउस ब्रांड भी काफी ज्यादा है। तो बीच में ये भी खबर आई थी कि अपने कर्जे को कम करने के लिए ये लोग सोच रहे कि जो उनकी इन हाउस ब्रांड है उनको ये लोग बेचेंगे अदानी ग्रुप को, और अदानी ग्रुप वहां से इंटरेस्टेड भी है खरीदने के लिए। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था तब मैंने उस चीज को मेंशन भी किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अपनी इन हाउस ब्रांड को भी ये लोग बेचने वाले हैं, और उसके लिए खरीदारी में एक बहुत बड़ा नाम था, अदानी ग्रुप का भी नाम है। फ्यूचर रिटेल रिसेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कर्जे को कम करने के लिए वो लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, तकरीबन 650 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था उन्होंने, और एनसीडी के द्वारा 200 करोड़ का भी फंड रेजिंग की बातचीत चल रही है यहाँ पर, काफी सारी बातचीत है। उसके साथ साथ अमेजोन के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है जिससे अमेजोन यहाँ पर आए और एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदे, और कहीं ना कहीं इनको फायदा जरूर होगा अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है। तो देखिए कुछ रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं अभी जो मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, उसमें यह है कि फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार के जो प्रमोटर है वो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं ऐसे बड़े निवेशक को जो यहाँ पर आए और पैसा लगाए, जिसमें से अमेजोन और कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, अदानी भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो देखिए इसकी कोई ठोस जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सब खबरें आ रही है कि काफी लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, और हो सकता है कि बहुत ही कम वक्त में या फिर बहुत जल्दी मैनेजमेंट जो है फ्यूचर रिटेल का, या फिर आप बिग बाजार कह लो उसको, उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत जल्दी इसके बारे में आपको जानकारी भी देगा कि भैया किन के साथ उनकी डील हो रही है या फिर होने वाली है। तो बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी आएगी। और याद रखिए जिस दिन अगर कोई बड़ी खबर आ गई यहाँ पर कि या तो अमेजोन पैसा लगा रहा है या फिर अदानी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, या फिर इनका जो कर्जा है कम करने के लिए कोई बड़ा प्लेयर आया, तो याद रखिए ये शेयर में एक बड़ी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ये एक स्पेकुलेशन है, अभी मार्केट में चल रही बातें हैं, न्यूज के आधार पर ट्रेड करने वाली ये सारी बातें हैं, अगर सही नहीं हुई ये सारी बातें तो शेयर में गिरावट के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अगर देखूं तो अगर मुझे पिछले 3 महीने का अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखने की कोशिश करूं तो पिछले 3 महीने में आप खुद देख सकते हैं कि शेयर कहाँ से गिरता हुआ नीचे आया, 265 रुपए के ऊपर था, गिरकर 60 रुपए के आसपास पहुंचा, तेजी आई 100 रुपए पर गया, वापस नीचे गिरा 70 रुपए के आसपास, फिर शेयर में 80 रुपए तक पहुंचा, वापस शेयर गिरा 70 रुपए के आसपास, फिर तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि 100 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनके लिए एक्सपेक्ट रहे, वो 102 रुपए का जो लेवल है यहाँ पर उसी के लेवल के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है जहां पर वो पिछली बार गिरा था। तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो जरूर शेयर यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में 140 130 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो
तो मुझे लगता है कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो जरूर शेयर ऊपर जाएगा, अगर लेवल गिरता है तो यहाँ से वापस शेयर आपको थोड़ी सी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल पूरा का पूरा न्यूज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और मैं भी सलाह दूंगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपको। बाद में मुझे लगता है कि शेयर यहाँ से 90 रुपये तक जा सकता है, तो शायद उस लेवल पर आप चाहे तो खरीदारी फिर से करने का मन बना सकते हैं। अभी खरीदा है, प्रॉफिट में डेफिनेटली आप होंगे, तो प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लॉस में हो तो बेच करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बने रहो। मार्केट ऑलरेडी प्रमोटर जो है वो काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं और पैसा जुटाने के लिए, कोई नया प्लेयर आने के लिए, तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। खरीदा है और प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और अगर लॉस में हो तो बने रह सकते हो, यही मेरी अभी के लिए सलाह है इसमें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।